क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे हुआ? बुद्ध ने जो मांगा वह करना असंभव था, फिर भी हजारों लोग अपना घर छोड़कर उनके साथ भिक्षु बन गए, उनके साथ हर प्रकार की कठिनाई और तपस्या में शामिल हुए। ये एक चमत्कार था। बुद्ध के समय में भारत समृद्धि के शिखर पर था, जैसे आज अमेरिका है। उस समय पश्चिम पूरी तरह से असभ्य था, लेकिन भारत अपने स्वर्णिम अवस्था में था। तो फिर क्या था जो इन समृद्ध और आरामदायक जीवन जी रहे लोगों को भिक्षु बनने के लिए प्रेरित कर गया? ये थी उनकी हृदय की मिठास। जब कोई व्यक्ति दिल में जीता है तो उसके आसपास एक अदृश्य मिठास की तरंगे फैल जाती हैं। उसकी उपस्थिति में बिना किसी स्पष्ट कारण के एक अचानक खुशी का अनुभव होता है। बुद्ध के अंतिम समय में उनके शिष्य आनंद रो रहे थे। बुद्ध ने पूछा, तुम क्यों रो रहे? आनंद ने कहा, आपके साथ मैं इस संसार में लाखों बार जन्म ले सकता हूं और ये कोई दुख नहीं होगा, लेकिन आपके बिना निर्वाण भी आनंदमय नहीं होगा। जीवन का असली आनंद दिल से जीने में है, ना कि मन से। मन विज्ञान बनाता है, लेकिन हृदय धर्म। दिल हमें असली मूल्य देता है, प्रेम, आनंद, सत्य, स्वतंत्रता, जागरूकता और ईश्वर। इन मूल्यों के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। साधना और कुछ नहीं, अपने मन से हृदय तक की यात्रा है। प्रणाम।